हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नई बहुत बढ़िया सी वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के साथ कुछ लाफ्टर शेयर किया जाए, कुछ सरप्राइज तो बनता है। तो मैं सरप्राइज आपके साथ लेकर आ रहा हूं, एंजॉय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा मजेदार लगी। ओके, आइए शुरू करते हैं। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? ओए, वापस रखो उसे। दारू मत पिया करो, ये देखो अखबार में भी लिखा है दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है फिर, कल से बंद। सच्ची? हाँ, कल से अखबार बंद। सुनो, आपको पता है 90% औरतें ना अपने हस्बैंड की आदतें बदलना चाहती हैं। मेरी जान, और 90% आदमी ना अपनी औरतें ही बदलना चाहते हैं। अच्छा सुनो, खाने में क्या है? जहर है। अच्छा तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। का हो मोदी जी, ताली बजवायो, उसके बाद थाली भी बजवा लिया, मोमबत्ती भी जलवा लिया, अब ये बता दो चाइना पे चढ़ाई कब करना है? भाई मैंने सुना है कि दीपक नाम के लोग नहाते नहीं है। भाई ऐसा क्यों? भाई नहाएंगे तो बुझ नहीं जाएंगे। 2 दिन से बोर हो रहा था, फिर कल मैंने लड़की के नाम से फेक आईडी बना ली, अब मेरे पास 30 बॉयफ्रेंड है। जिसने जल्दबाजी में शादी की, बाबा अबे पहले बकवास तो लेने दे। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, वाँ, वाँ। और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। बच्चों, किस किस के घरों पे लैट्रिन बनी हुई है? सर मेरे। शहबाज, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? सर जी, मेरे घर पे तो दाल रोटी बनी है। कितने भाई बहन हो आप? 4। चारों में आपका नंबर कौन सा है? जियो का। आपको पता है पड़ोसी की इनकम कितनी अच्छी है? आपको पता है पड़ोसी का बंगलो कितना अच्छा है? आपको पता है पड़ोसी की कार कितनी अच्छी है? आपको पता है पड़ोसी की बीवी कितनी अच्छी है? हेलो, मैंने तुम्हारी बीवी किडनैप कर ली है, 5 करोड़ रुपए चाहिए और सबूत के तौर पे उंगली काट के भेज रहा हूँ। हेलो, हम छोटे मोटे सबूत पे विश्वास नहीं करते, मुंडी काट के भेजो। तुम लोग कितने बहन भाई हो? मैं इकलौती हूँ। गरीब सुस्त बाप की औलाद। हमसे पूछ कितने हो? 27। अब तो अब्बा को कोई मुबारकबाद नहीं देता। क्यों? अरे दफा करो यार, इसका तो रोज का ही काम हो गया है। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं, अबे क्या भूत है वो? अभी 4 लौंडे खड़े होके गो कोरोना का नारा लगा रहे, क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अगर कोई औरत आपको फ्लाइंग किस करे तो आप कैसा महसूस करोगे? मैं नफरत करता हूँ ऐसी आलसी औरतों से। साली करना है तो आके डायरेक्ट करना। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है। कारण नहीं पूछोगे क्या? नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। लो जी पानी। सुनो। हाँ जी। ये यू आर फूल का मतलब क्या होता है? तुम बेवकूफ हो। इधर दो पानी, तुम ही होगे बेवकूफ। एक तो पानी लेके आई, ऊपर से मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। मांगना तुम पानी, ला के दूंगी तुमको। हेलो होटल मैनेजर, जल्दी आओ, मेरा और मेरी बीबी के बीच में झगड़ा हो गया है और ये खिड़की से कूद कर जान देने को कह रही है। सर, ये आपका पर्सनल इशू है, हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अबे साले,
खिड़की खुल नहीं रही है, आके जल्दी खोल, मेंटेनेंस इशू है, मेंटेनेंस इशू। सच में लोग आजकल अपने स्टेटस में लिख रहे हैं, मेरी बेटी मेरा अभिमान। मैंने भी लिख दिया, मेरे ससुर की बेटी मेरे जीवन में आंधी तूफान। भाई आपका दिमाग खराब कब होता है? ऑप्शन ए किताबों को देखकर, ऑप्शन बी बीबी को देखकर। समोसा खाएगी? समोसा ले आऊं? नहीं, मैं बाहर की चीज नहीं खाती। तो अंदर की खा ले। क्या? आलू। और भाई क्या करते हो आजकल? सीए। सीए मतलब वो चार्टर अकाउंटेंट? नहीं तो कंप्लीट आराम। यार आज बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, एक शायरी पेश करूं? हाँ जरूर। तू चांद तारों का है मेल। वाह 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 वाह। तू चांद तारों का है मेल, अबे तेरे आगे तो गोबर भी है फेल। इस साले खुद को समझते क्या? क्या हुआ भाई, तुझे गुस्से में क्यों है? यार ये जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में लड़कियों के नंबर लिख के आते हैं ना, इन सबको तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है यार। साला एक नंबर सही नहीं है। अजी सुनते हो, कब तक सोते रहोगे? चलो उठो, मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ। तो बना ले रोटी, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। हेलो, कितना प्यार करती हो मुझसे? जितना तुम करते हो। मतलब टाइम पास कर रही है तू? तुझे पता है क्या, औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। खाना खाया? खाना खाया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा, तुम मेरी नकल कर रहे हो? अच्छा, तुम मेरी नकल कर रहे हो। चलो तो शॉपिंग पर चलते हैं। नहीं खाया, नहीं खाया, खाना नहीं खाया। तो कैसा रहा मेरे दोस्तों ये सरप्राइज? मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं करना चाहता था, आपके चेहरे पे सिर्फ हंसी नहीं ठहाके लाना चाहता था, वो आप आए। तो इस हंसी को बनाए रखिएगा। वर्ल्ड लाफ्टर डे पे मैं आप सभी को विश करता हूँ कि आप सभी हंसते रहे। ये मुश्किल वक्त है एक हमारे लिए, एक हम सबके लिए, और हम सबको दिख रहा है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन हम सभी को एक रिश्ता बनाए रखना है और वो है प्यार का और इंसानियत का। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है और वो जरूर और जरूर करते रहिए। सभी को जिसको जरूरत हो उसकी हेल्प कीजिए और प्यार से आगे बढ़ते रहिए। ये वक्त गुजर जाएगा दोस्तों, मुश्किल वक्त है अभी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस हंसी को बरकरार रखिए मेरी जान, एंड लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लव यू ऑल, बाय बाय। Share, share, share. Or share, I love you.